हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया होंगे। गाइस, फ्री फायर में नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ रीजन की वजह से होती है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो देरी किस बात की। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला रीजन है मोबाइल। जिसका भी लो एंड डिवाइस मोबाइल है उसको नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर होगा। जिसका भी मोबाइल पे रैम रोम प्रोसेसर कम है उसको नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर होगा। क्योंकि मेरा एक मोबाइल था पोको C3, अनबॉक्सिंग किया था उसका वीडियो डाला था। पोको C3 पे 3GB रैम और 32GB रोम है, और मेरा एक पुराना मोबाइल है Redmi 5 ओनली, तो उसका भी 3GB रैम और 32GB रोम है, बट प्रोसेसर थोड़ा सा चेंजेस है। दोनों मोबाइल पे नेटवर्क प्रॉब्लम में से चेंजेस है। तो लो एंड डिवाइस मोबाइल पे नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और लैग भी होगा लो एंड डिवाइस मोबाइल पे। मेरा पोको C3 और रेडमी 5 दोनों एक साथ लेके, दोनों में से जियो का सिम है, दोनों में जियो का सिम है, दोनों एक साथ लेके फ्री फायर खेलता हूँ, तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम दोनों में से फर्क होती है। क्योंकि पोको C3 में अच्छा नेटवर्क देती है और रेडमी 5 पुराना हो गया और प्रोसेसर भी कम है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होती है रेडमी 5 पे। मोबाइल का प्रोसेसर जितना अच्छा होगा नेटवर्क उतना ही बढ़िया देगा, क्योंकि मोबाइल अच्छा होगा तो नेटवर्क को उतना ही अच्छे तरीके से अचीव कर पाएगा। प्रोसेसर अच्छा होगा तो नेटवर्क को क्विकली एंड अच्छी तरीके से अचीव कर पाएगा नेटवर्क को, इसीलिए मोबाइल के ऊपर नेटवर्क डिपेंड करता है। तो आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा, आपको कम देखने को मिल जाएगा नेटवर्क प्रॉब्लम। इसीलिए हाई एंड डिवाइस मोबाइल पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही कम रेयर देखने को मिलेगा। मोबाइल को लेके आप नीच पर खेलोगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। मोबाइल को लेके आप कुर्सी पर बैठ के थोड़ा सा ऊपर बैठ के खेलोगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा प्रोसेसर होगा तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप किसी घर के अंदर खेलने के टाइम ऑलवेज सब कुछ बंद करके खेलोगे तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए घर के अंदर खेलने के टाइम ऑलवेज खिड़की खोल के रखना। आप खिड़की खोल के रख के खेलोगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलेगा। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप नीचे पर डिस्क्रिप्शन पर जाकर के एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन का वीडियो है, तो देख लेना। दूसरी रीजन है सिम। आपका सिम पुराना हो गया तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि सिम पुराना होती है तो नेटवर्क अच्छी तरीके से नहीं देते, इसीलिए सिम को एक बार रिप्लेस कर लेना। आपको एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए आपका एरिया पे कौन सी सिम का नेटवर्क अच्छा देती है, उसी हिसाब से आपको सिम को ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको नेटवर्क के हिसाब से मतलब है, आपको कौन सी सिम का नेटवर्क अच्छा देती है उसी हिसाब से आपका मतलब होना चाहिए। तीसरा रीजन है सेटिंग। आप जो भी गेम खेलोगे उसका सेटिंग अच्छा होना चाहिए, जो भी गेम खेलोगे उसका सेटिंग अच्छा होना चाहिए। तो आपका एरिया पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप अल्ट्रा पे खेलोगे तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कम नहीं होगा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो आप अल्ट्रा छोड़ के स्टैंडर्ड पे खेलिए, स्टैंडर्ड पे खेलोगे तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करना, और कोई गलती हो जाएगा तो माफ़ कर देना। समझ रहे हो ना?